स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं आपको सबवे सर्फर या टेंपल रन जैसी गेम बनाना सिखा रहा हूं। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के, और अब से मैं वादा करता हूँ हफ्ते में कम से कम 5 वीडियो तो मेरे अपलोड होंगे ही होंगे। तो अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम सीधे चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर, और यहां पर हमें लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि ये जो प्लेयर है आगे बढ़ता जा रहा है, टी प्लेटफॉर्म आने के बाद भी आगे की ओर प्लेटफॉर्म स्पॉन हो रहे थे। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करवाना है कि टी प्लेटफॉर्म के आगे प्लेटफॉर्म स्पॉन हो। जब प्लेयर राइट में मुड़े तो राइट की तरफ स्पॉन होने चाहिए, लेफ्ट मुड़े तो लेफ्ट की तरफ स्पॉन होने चाहिए। तो इसके लिए हम प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसका नाम हम देंगे करंट प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे ऑन कोलाइजन एंटर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो करंट प्लेटफॉर्म है उसे हम डिक्लेयर कर देंगे। तो उसे डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपली लिखना है करंट प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू कोलाइजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कोलाइजन जिसके साथ में हमारा प्लेयर कर रहा है, मान लीजिए ये इस वक्त यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, तो मतलब इसके साथ उसका कोलाइजन है, तो ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो करंट प्लेटफॉर्म रहेगा। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा, मान लीजिए इसके ऊपर आ गया तो इसके साथ इसका कोलाइजन हो जाएगा, तो ये वाला करंट प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कोलाइजन कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। तो ये कोलाइजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट यानी कि करंट प्लेटफॉर्म हमें मिल गया। अब यहां पर हमें एक और कंडीशन इसके अंदर डाल देनी है कि यहां पर हम लिखेंगे इफ अदर इज बॉक्स कोलाइडर, अदर इज बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए हमने ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके अंदर हमने लास्ट में यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर रखा है जो हमारा ट्रिगर है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक तो जिसके साथ में वो कोलाइड कर रहा है, वो जो ट्रिगर कर रहा है वो क्या होना चाहिए, बॉक्स कोलाइडर होना चाहिए। और एक और कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले तो ये साइन यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन चाहिए कि जो लास्ट प्लेटफॉर्म है वो टी प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म स्पॉनर है वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये हमने यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक गेम ऑब्जेक्ट बना के रखा था और यहाँ से हम उसका जो टैग है वो भी यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये लास्ट प्लेटफॉर्म है उसका टैग हमें चेक करवाना है यहाँ पर। तो किस तरीके से करवाएंगे, तो पहले तो लिखेंगे प्लेटफॉर्म स्पॉनर यानी कि ये वाला क्लास, और उसके बाद में डॉट और लास्ट प्लेटफॉर्म डॉट टैग, और नॉट इक्वल टू की साइन किस तरीके से रहेगी, ये इक्वल टू की साइन है लेकिन अगर आप इक्वल टू के पहले ये वाली साइन लगा देंगे और उसके बाद इक्वल टू करेंगे तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब नॉट इक्वल टू में क्या लिखना है, प्लेटफॉर्म टी। अब ये कहां से आ रहा है, तो ये तो सबको मालूम है कि टैग हम यहां से ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो टी प्लेटफॉर्म है तो यहां से वो मिल जाता है। तो ये देखिए सारे स्मॉल है, टी जो है वो कैपिटल में है, तो हमें भी इसी तरीके से यहां पर लिखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रन डमी को, मतलब के जो ये फंक्शन है डमी को रन करवाने वाला, उसे कॉल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको हम यहां पर सेव कर लेते हैं। अब जो हमारा प्लेयर है उसको हमें आगे बढ़ाना है। एक्चुअल में होगा क्या कि जो हमारा प्लेयर है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो यहीं पे रुका हुआ रहेगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरफ मूव करते रहेंगे ताकि एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट होगा कि जो हमारा प्लेयर है वो दौड़ता हुआ जा रहा है और प्लेटफॉर्म जो है वो वहीं पे खड़े हुए हैं। लेकिन हमारा एक्चुअल में होगा ये कि अगर आप सबवे सर्फर खेल रहे हैं या फिर ये जो टेम्पल रन खेल रहे हैं तो उसके अंदर भी यही होता है कि जो प्लेयर रहता है वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है और सिर्फ जो प्लेटफॉर्म रहते हैं वही मूव करते रहते हैं। तो हमें भी यहाँ पर यही चीज़ करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट हम बना लेंगे और उसका नाम हम देंगे
मूव। इसको ओपन कर लेंगे हम विजुअल स्टूडियो में और इसके अंदर हमें ये सारे फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हम एक मैसेज लेंगे फिक्स अपडेट और उसके अंदर हम और ये जो मूव स्क्रिप्ट है उसे हम ऐड करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर। ये जो हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाए थे उसके अंदर हम उसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म मूव करेंगे और किस तरफ मूव करेंगे, जिस तरफ प्लेयर का फेस होगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। मान लीजिए प्लेयर इस तरफ देख रहा है तो ये इस तरफ मूव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन और आपको प्लस इज इक्वल टू लिखना है और उसके बाद में से प्लेयर कंट्रोलर जो स्क्रिप्ट है क्लास है हमारा उसमें से प्लेयर को सिलेक्ट करना है और ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड सिलेक्ट करना है। यानी कि ये जो हमारा प्लेयर है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, उसका फेस इस तरफ है फॉरवर्ड यानी कि इस तरफ, तो इसे हमें सिलेक्ट करना है और यहां पे कर देंगे इनटू -0.2f। अब माइनस मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये अगर प्लस करते तो क्या होता, ये प्लेटफॉर्म इस तरफ आगे बढ़ते, माइनस किया इसलिए इस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक और चीज हमें चाहिए, ये प्लेयर कंट्रोलर के अंदर मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, रिजिड बॉडी चाहिए हमें, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू RB और स्टार्ट फंक्शन जो है उसके अंदर हम इसे गेट करवा लेते। तो RB इज इक्वल टू दिस डॉट गेट कंपोनेंट और उसके अंदर हम करवाएंगे रिजिड बॉडी, जो प्लेयर के अंदर हमने रिजिड बॉडी पहले से ही ऐड करके रखी हुई है यहाँ पर। और एक और चीज आपको इसके अंदर कर देनी है जो मैंने की नहीं थी, ये इसको जो रोटेशन है उसको आप फ्रीज कर दीजिए। अच्छा, इसकी पोजीशन भी आप फ्रीज कर दीजिए फिलहाल। अब इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो हमें प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करनी है। तो आप यहाँ से ऐड कंपोनेंट करके मूव सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड कंपोनेंट कर दीजिए। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूं। ये देखिए हमारा प्लेयर आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्लेयर वहीं पर खड़ा हुआ है और प्लेटफॉर्म जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड मुझे कुछ फिलहाल ज्यादा लग रही है तो मैं इसको यहां से कम कर सकता हूं और जब गेम एक्चुअल में प्ले करने का टाइम आएगा तब इसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसकी स्पीड में कम कर देता हूं। तो ये देखिए हमारा प्लेयर जो है वो यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो प्लेटफॉर्म्स है वो आगे की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से हमारा प्लेयर नीचे गिर रहा है तो हमें प्लेयर को भी मूव कराना है लेफ्ट या राइट में। तो मूव कराने के लिए हमारे पास ये जो एरिया है वो है 5। 5 के अंदर 3 ट्रैक हमारे हो रहे हैं तो प्लेयर या तो फर्स्ट ट्रैक में से सेकंड में आएगा, सेकंड में से थर्ड में आएगा, या फिर थर्ड में से सेकंड में, या फिर सेकंड में से थर्ड में, इन तीनों के बीच में ही वो घूमता रहेगा। अगर वो फर्स्ट में है तो इस तरफ वो नहीं जा पाएगा और थर्ड में है तो इस तरफ नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए भी हमें कुछ कंडीशन डालनी है, तो चलिए वो भी कंडीशन हम डाल देते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन डालने के लिए हमें एक चाहिए होगा इंटीजर और उसका नाम हम देंगे ट्रैक और स्टार्ट फंक्शन में उसे हम डिक्लेयर कर देंगे ट्रैक इज इक्वल टू 2। मतलब कि जैसे ही ये फर्स्ट वाला ट्रैक है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगी तो हमारा जो प्लेयर है वो सेकंड वाले मतलब के बीच वाले में ही लॉन्च होगा। तो इसके लिए हम पहले से ही उसको डिक्लेयर कर देते ट्रैक 2। अब प्लेयर को हमें लेफ्ट और राइट मूव कराना है, मतलब के वो इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर देखिए, ये हम मोबाइल के लिए गेम बना रहे हैं तो बाद में हम टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके उसे करवाएंगे मूव,
लेकिन फिलहाल इस वक्त हम कंप्यूटर के अंदर इसको बना रहे हैं, तो कीबोर्ड से इसको मूव करवाना है, तो इसके लिए हम टेम्पररी राइट एरो और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे। तो अपडेट के अंदर एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ इनपुट गेट की कोड राइट एरो, अब इसकी पोजीशन राइट एरो पर क्या होनी चाहिए, ये यहां पर है तो इस तरफ आ जाना चाहिए। यहां पर हमारे पास कितनी जगह है, ये जो है टोटल 5 का एरिया है, यानी कि अगर वो बीच में है तो यहां से 1.66 इस तरफ जा सकता है, यहां से 1.66 इस तरफ जा सकता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं करके दिखा देता हूं। ये देखिए 5/3=1.66, तो यहां पर मैं कंडीशन लिखूंगा कि यहां पे कंडीशन लिखूंगा दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट, यहां पे हमें ट्रांसलेट लिखना है और उसके बाद डायरेक्टली हमें पोजीशन दे देनी है 1.66। अगर आप पॉइंट में वैल्यू दे रहे हैं तो आपको उसके पीछे एफ लिखना पड़ेगा क्योंकि वो फ्लोट है, और उसके बाद में कोमा और उसके बाद में जीरो उसके बाद में जीरो। तो ये कंडीशन हमारी राइट एरो से हो गई है। अब जो हमारी ट्रैक है वो सेकंड ट्रैक में से कौन सी हो जाएगी, थर्ड ट्रैक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे, ट्रैक प्लस प्लस, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं ट्रैक इज इक्वल टू 3 भी कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं, इज इक्वल टू अगर मैंने 3 कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन होगा क्या कि जब वो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जब वो ये वाले प्लेटफॉर्म में होगा राइट एरो पे क्लिक होगा तब तो उसका ट्रैक 2 होगा और उसके बाद में उसका 3 होगा। तो इसके लिए हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस करवाएंगे, मतलब उसके अंदर 1 बढ़ जाएगा। और यही कंडीशन हम इसकी उल्टी करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और इसके बाद में यहां पे लिखूंगा लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर आपको ये राइट मूव कराने के लिए आप यहां पे जो भी आपने प्लस किया है वही सिर्फ आपको यहां पे माइनस करना है। तो अगर इसको मैं माइनस माइनस कर देता हूं तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा और इसके अंदर से मैं 1 और माइनस कर दूंगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्लेयर है वो लेफ्ट राइट मूव कर सकेगा। तो चलिए पहले मैं आपको यहां से इसको प्ले करके एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए हमारा प्लेयर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से मूव कर रहा है। एक मिनट में डायरेक्टली टी प्लेटफॉर्म नहीं चाहता था, ये देखिए मूव कर रहा है, लेकिन एक बार और मूव करने पर ये आगे भी जा रहा है। ये देखिए इसको मैंने फर्स्ट ट्रैक में लिया, सेकंड में लिया, थर्ड में लिया और फोर्थ में भी ये जा रहा है, तो फोर्थ में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कंडीशन डालेंगे। तो यहां पर हम कंडीशन क्या डालेंगे, एंड ट्रैक छोटा होना चाहिए 3 से, तभी वो राइट की ओर जाएगा। मान लीजिए कि ये 1 पर है तो 2 पर आया, तो छोटा है 3 से, और 3 के ऊपर जाएगा तो वो 3 से छोटा नहीं रहेगा, इसलिए फोर्थ में वो मूव नहीं कर पाएगा। तो सेम कंडीशन हमें यहाँ पर भी डालनी है, तो यहाँ पर हम इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, ट्रैक जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से, तो अब जो हमारा प्लेयर है वो गिरेगा नहीं नीचे। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये देखिए, देखिए लेफ्ट नहीं जा रहा है, और अब यहां से ये इस तरफ मुड़ना चाहिए अगर टी प्लेटफॉर्म आता है तो। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट और राइट, मतलब के ट्रैक चेंज करने की जो कंडीशन थी वो हमने डाल दी है, वो कोड हमने इसके अंदर डाल दिया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों, एक काम और हमें करना है, जैसे कि टी प्लेटफॉर्म आता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे ही टी प्लेटफॉर्म आएगा तो वहाँ से वो राइट मुड़ना चाहिए या फिर लेफ्ट मुड़ना चाहिए, लेकिन वो राइट और लेफ्ट नहीं जा सकता क्योंकि हमने अभी तक उसके अंदर वो वाला कोड डाले ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कोड लिखेंगे। चलिए आ गया हमारा टी प्लेटफॉर्म, अब देखिए यहाँ पर अगर वो राइट क्लिक करेगा तो राइट में जाना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे। कंडीशन डालने से पहले एक और चीज़ हमें करनी है, ये टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं और टी प्लेटफॉर्म के अंदर हमने ये जो कोलाइडर ऐड करके रखे थे बॉक्स कोलाइडर, उसके अलावा भी हमें एक और कोलाइडर चाहिए और वो रहेगा स्पीयर। अब क्यों ये चाहिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब ये कोलाइडर की पोजीशन किस तरीके से सेट करनी है आपको पहले से ही मालूम है, तो आप मैं इसको सेट कर लेता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब देखिए आपको ये बिल्कुल इतना ही रखना है जितना कि ये इसके सेंटर में आ सके, इससे बड़ा नहीं करना है। और इसके अंदर ये रखने का एक रीज़न भी है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी रेडियस थोड़ी बड़ी कर देता हूँ मैं। अब ठीक है, ये कोलाइडर मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है उसकी ये वजह है, जैसे ही प्लेयर इसके अंदर आएगा तो जब ये स्पीयर कोलाइडर में होगा तो ही वो राइट या लेफ्ट मुड़ सकेगा, नहीं तो ये राइट लेफ्ट नहीं मुड़ सकेगा। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये इस वक्त अगर यहाँ से जा रहा है और ये वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पे चल रहा है, तो अगर ये यहाँ से राइट मुड़ेगा तो वो इस तरफ चलने लगेगा और लेफ्ट मुड़ेगा तो इस तरफ जाने लगेगा। तो हमें एक रिस्ट्रिक्शन डालना है कि जब वो टी प्लेटफॉर्म पर हो तभी वो राइट या लेफ्ट मुड़ सकना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये स्पीयर इसके अंदर डाला है। तो यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर के अंदर हम एक कंडीशन डाल देंगे। यहाँ पर पहले एक बुलियन ले लेते हैं और कैन टर्न नाम इसका दे देते हैं। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो टी प्लेटफॉर्म है इसके अंदर इसको हमें इस ट्रिगर सेट करके रखना है और एंटर ट्रिगर के अंदर यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करवा लेते हैं। इफ अदर इज स्पीयर कोलाइडर, तो यहां पे कंडीशन हो जानी चाहिए कैन टर्न इज इक्वल टू, और यहां पर हम कंडीशन चेक करेंगे इफ कैन टर्न दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट वेक्टर 3 डॉट अप इनटू 90, और ये जो बाकी की कंडीशन है वो यहाँ पे एल्स में डाल देंगे एल्स, और यहाँ पर हम कैन टर्न को फॉल्स कर देंगे फॉल्स। अगर मान लीजिए कि वो रोटेट करना भूल भी जाता है तो भी हम यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि ये एंटर ट्रिगर है तो उसी तरीके से एग्जिट ट्रिगर भी होता है, ऑन ट्रिगर एग्जिट, और उसके अंदर हम यही कंडीशन डाल देते हैं। ये देखिए, और इसके अंदर सिर्फ हमें लिखना है फॉल्स। जब तक वो स्पीयर में है तब तक ही वो राइट या लेफ्ट मुड़ सकता है, और एक बार राइट या लेफ्ट मुड़ जाने के बाद जो कैन टर्न जो बुलियन है हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। तो यही कंडीशन हम क्या करेंगे इसके अंदर भी यहां पर भी डाल देंगे इसके अंदर, और एल्स के अंदर ये कंडीशन डाल देंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा ये जो है वो माइनस हो जाएगा। और ये ट्रैक वाली कहानी यहाँ पर हमें कुछ परेशान करेगी, उसकी एक वजह है। मान लीजिए कि ये वाले ट्रैक में है लेफ्ट वाले में और उसको लेफ्ट मुड़ना है तो वो नहीं मुड़ पाएगा क्योंकि ट्रैक जो है वो एक से बड़ा नहीं होगा। इसलिए तो ये जो कंडीशन है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इफ देखिए, अगर आप ये दो ब्रैकेट नहीं करना चाहते और डायरेक्टली आप इसके नीचे लिखेंगे तो भी ये कंडीशन काम करेगी, लेकिन मैं ब्रैकेट करने की सलाह आपको दूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इफ कहाँ पे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे वो खत्म हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया
तो चलिए इसे एक बार टेस्ट करते हैं। इसको सेव कर लिया हमने और यहाँ पर आ जाते हैं। अब सीधा जा रहा है हमारा प्लेयर, राइट लिया, लेफ्ट लिया और लेफ्ट 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 लेफ्ट, आगे नहीं जा रहा है, राइट जा रहा है। अब मैंने यहाँ से राइट लिया तो राइट मुड़ गया। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, देखिए ये राइट मुड़ने के बाद मान लीजिए कि टी प्लेटफॉर्म आ जाने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए बस यहाँ पर, अब देखिए मान लीजिए हमारा स्पीयर तो यहाँ तक है, अगर यहाँ से ही वो राइट एरो पे वो क्लिक करेगा तो इस तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन इसके साथ में वो घिसता हुआ चलेगा, तब उसकी जो ट्रैक रहेगी वो तो यहाँ पर है, एक दो और तीन, अगर इस तरफ मुड़ता है तो एक दो और तीन, तो ये तो यहाँ से भी मुड़ सकता है ना, और यहाँ से मुड़ रहा है और मान लीजिए ये वाले ट्रैक में मुड़ रहा है, तो उसकी ट्रैक जो है वो तो हमने ये तय करके रखी थी कि अभी ये सेकंड ट्रैक में है, तो यहाँ पर वो समझेगा सेकंड ट्रैक में है, तो उसके बाद में वो इस तरफ जा सकता है थर्ड ट्रैक में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचे तो हम राइट या लेफ्ट ले, तो उसकी जो ट्रैक पोजीशन है वो हमें सेंटर कर देनी है, ये प्लेटफॉर्म के इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे सेंटर होनी चाहिए, इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे सेंटर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी, तो पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता था। ये देखिए अब नीचे गिर गया, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन फिर से लगानी पड़ेगी। देखिए इसके अंदर सारा जो मामला है वो कोड से ही चलेगा, हमें कोड से ही ये सारा काम करना पड़ेगा। तो कोड अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हो तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कोड के ऊपर अलग से वीडियो करूँगा, जिसके अंदर अगर आप बिगनर है, कुछ जो लोग कोडिंग जानते हैं उनको जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ईजीली समझ में आ रहा होगा, अगर आप बिगनर है तो आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, तो हो सकता है कि मुझे आपको ये सिखाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल एड्रेस दे के रखा है, आप उसके ऊपर मुझे मेल कर सकते हैं, अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं बिल्कुल सिर्फ शुरुआत से कि जैसे ही कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है वहाँ से मैं आपको कोडिंग करना सिखा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से सीरीज चालू कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे 10-15 लोगों की कमेंट चाहिए कि भाई हाँ हमें चाहिए, तो उसके लिए मैं अपना ये समय उसके अंदर लगाऊँ। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेक्टर 3 लेंगे और स्टार्ट पोजिशन उसका नाम देंगे, स्टार्ट पोज इज इक्वल टू दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अगर हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक गेम ऑब्जेक्ट तो हमने बना ही लिया है तो हम प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन भी कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट पोजिशन मिल गई है, स्टार्ट पोजिशन में क्या है कि जो हमारा प्लेयर है उसकी एक्स वैल्यू 0 है, ये देखिए, तो हमें वो 0 वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर हमें एक और इंटीजर भी चाहिए होगा, उसे यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ टेक टर्न इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर होगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, और यहां पर हम लेंगे स्टार्ट पोजीशन की एक्स पोजीशन, और उसके बाद में ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, और ये जो हमारा टी प्लेटफॉर्म रहेगा उसकी जो पोजीशन रहेगी उसकी जी पोजीशन हमें चाहिए, तो जी पोजीशन हम यहां पे लिखेंगे प्लेटफॉर्म स्पॉनर डॉट लास्ट प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्म पोजीशन डॉट जी, तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म स्पॉनर है उसके अंदर लास्ट वाला प्लेटफॉर्म जो रहेगा, मतलब कि जब ये टी पर पहुंचेगा टी प्लेटफॉर्म पर तो टी वाला ही लास्ट प्लेटफॉर्म रहेगा, तो उसकी जो पोजीशन जी रहेगी वो वाली इसकी पोजीशन हो जाएगी। तो इसको यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर हम टेक टर्न को कर देते हैं 0, और यहाँ एल्स कंडीशन डाल देते हैं,
अब ये मैंने ये क्यों करवाया ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको प्ले करूंगा। तब यहां पे इसको मैं वापस वन कर देता हूं और यहां पर हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 और इसके अंदर प्लेटफॉर्म स्पॉनर डॉट लास्ट प्लेटफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स, इसके अंदर सबसे पहले हम एक्स वाला लेंगे। अगर ये जीरो है तो, और उसके बाद में ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट जी, और ये कंडीशन यहां से हम कॉपी करके ले लेते हैं और डाल देते हैं इसके अंदर यहां पर। दैट्स इट, हमारा काम हो गया है। चलिए हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अगर मैं जल्दी जल्दी टर्न ले लूंगा टी प्लेटफॉर्म आने से बिल्कुल पहले, तो भी वो सेंटर में चला जाएगा। ये देखिए टी प्लेटफॉर्म आया है, मैं पहुंचने पर तुरंत मुड़ जाऊंगा, देखा वो सेंटर में चला गया। तो इससे क्या होगा, जो हमारी गेम है वो बिल्कुल सही तरीके से चलेगी। अभी भी दोस्तों इसके अंदर हमें बहुत सारा काम करना बाकी है। जैसे कि ये टी प्लेटफॉर्म आ गया है तो उसके बाद में इस तरफ से जो बाकी के प्लेटफॉर्म है वो स्पॉन होने चाहिए जिस तरफ हमारा प्लेयर जा रहा है। तो ये काम तो हम इसी वीडियो में कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद का मैं आपको बता दूं, इसके बाद में इसके अंदर हमें डेकोरेशन करना है, मतलब कि जंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद में पिकअप्स आइटम देनी है, यानी कि बीच बीच में हम कुछ उसे जैसे कि कुछ पावर देंगे, कॉइन देंगे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें डालनी है। और उसके बाद में कुछ एनिमी इसके अंदर डालेंगे कि मान लीजिए बीच में वो जा रहा है, किसी मॉन्स्टर से टकरा जाएगा तो वो मर जाएगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बैरियर उसके अंदर डालेंगे, जैसे कि बड़ा सा पत्थर बीच में आ जाएगा तो उसको राइट या लेफ्ट लेना पड़ेगा, या फिर उसको कूद के जाना पड़ेगा। ये सब कुछ हमें करना है, तो ये सब कुछ तो हम करेंगे, लेकिन वो सब कुछ हम करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में अभी भी काम बाकी है, तो इस वीडियो के अंदर हम लेफ्ट या राइट में अगर वो मुड़ता है टी प्लेटफॉर्म से तो उस तरफ प्लेटफॉर्म स्पॉन होने चाहिए। तो चलिए ये वाले काम इस वीडियो में हम करते हैं। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये डमी प्लेयर है, उसकी पोजीशन भी हमें इसके साथ साथ चेंज करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये वाली कंडीशन में आके लिखेंगे, जैसे कि राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है तो उस हिसाब से हमें लिखना है। तो इसको -90 मतलब इसको -90 करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पॉनर डॉट डमी प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट फॉरवर्ड, माफ कीजिए क्या पोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हम पोजिशन तो बता रहे हैं उसको, फॉरवर्ड इज इक्वल टू माइनस दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। और यही लाइन हम यहां से कॉपी कर लेंगे और इसको यहां पे हम डाल देंगे। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि अगर ये राइट जा रहा है तो हम यहां पे इसको माइनस करवा रहे हैं और लेफ्ट जाने पर इसको प्लस करवाना चाहिए, या फिर लेफ्ट जाने पर इसको माइनस करवाना चाहिए और राइट जाने पर इसको प्लस करवाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको माइनस ही करवाना है क्योंकि यहाँ पर हमने फॉरवर्ड पहले से ही दे के रखा है, तो जो फॉरवर्ड पोजीशन होगी उसके आगे वाली पोजीशन वो जिस तरफ जा रहा होगा उसके अंदर ये माइनस कर देगा फॉरवर्ड पोजीशन। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड सिर्फ आप लाइन कॉपी करके मेरी तरह से आप लिख दीजिए तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। मैं एक बार इसे प्ले करके देख लेता हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, लेफ्ट में स्पॉन होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो रहे हैं। देख लेता हूँ कोड, भाई कोई बताएगा मुझे क्यों स्पॉन, अच्छा स्पॉन नहीं हो रहे, उसकी एक सिंपल सा रीज़न है
ये हमें यहाँ पर कॉल करवाना है बस। ये देखिए आ गया टी प्लेटफॉर्म और मैं यहाँ से लेफ्ट ले रहा हूँ। लेफ्ट ले लिया लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्पॉन हो रहे हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने पोजीशन लिख दिया था, फॉरवर्ड लिखना है क्योंकि फॉरवर्ड वाली वैल्यू हमें चेंज करवानी है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे फॉरवर्ड। चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा टी प्लेटफॉर्म और यहाँ से मैंने राइट टर्न लिया, राइट टर्न में ये आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल सही तरीके से हमारा कोड काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ये 1, 2, 3 वाला प्लेटफॉर्म ही स्पॉन होता रहेगा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि उसकी एक वजह है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूल है उसके अंदर हमने ये जो पहला वाला प्लेटफॉर्म है उसे हमने एक्सपांडेबल रखा है कि जब उसके पास पूल के पास कोई भी प्लेटफॉर्म ना हो तब इसको ये बार बार रिपीट कर सकता है, तो ये हमने इसको छूट दे के रखी थी। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये एक के बाद एक जो स्पॉन हो रहे हैं तो जब प्लेयर उसके ऊपर से पास हो जाए तब वो डीएक्टिवेट हो जाने चाहिए, यानी कि वापिस वो पूल में चले जाने चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी और वो स्क्रिप्ट हमें ये सारे प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे अगले वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।